बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाका नअबुदु वइयाका नस्ताईन अस्सलामु अलैकुम। आज जो है मैं आपको डिलीशियस पोटैटो डोनट बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले जो है हम दही लेंगे और 200 ml मैंने जो है दही लिया है, 300 ग्राम मैंने जो है आलू लिए हैं। आप इसको जो है इस तरह हम पीस लेंगे, इस तरह हमने इसको मैश कर लेना है। 1 and 3 कप जो है हमने मटर लिए हैं और इसका वेट है 60 ग्राम। हल्का सा इसको बीट करेंगे। ये देखें, ये माशाल्लाह बीट हो गया है। ये 1 tablespoon हम जो है चीनी ले रहे हैं और इसका वेट है 20 ग्राम। अब जो है हम इसमें नमक डालेंगे, 1/2 teaspoon जो है हमने नमक लिया है और ये 11 ग्राम की ईस्ट है। तो हम सबको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। 3 cup जो है हम मैदा ले रहे हैं, वजन में ये 450 ग्राम मैदा है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसको गूंद कर हमने 1 घंटा रख दिया था। अब इसकी हम बनाएंगे पोटैटो डोनट टिक्की। इसको अब हम जो है बेलेंगे। आटा हमने इस पे छिड़क दिया है और अब ये आटा जो है हम इस पे निकाल के रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारी वेट मशीन है, इस पे वेट करते जाते हैं हम जो है 100 ग्राम का रखेंगे। ये देखिए 100 ग्राम हो गया है। इसी तरह हम 100-100 ग्राम के सारे पेड़े जो है बना लेंगे। बिस्मिल्लाह, पेड़े हमने 100-100 ग्राम के कर लिए हैं। अब इनको हम बेलेंगे, इस तरह खुशका लगाएंगे और ऐसे इसको प्रेस कर लेंगे और ऐसे इसमें सरो कर लेंगे। ऐसे हम सारी बेल लेंगे। डोनट की टिक्कियां तैयार हो गई हैं। अब इनको हम जो है फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाह, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये डोनट है इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाह, इसी तरह हम इसको अब हलाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा फूल रहा है। इसी तरह हमने इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह, डिलीशियस पोटैटो डोनट बना के जरूर खाइएगा। अल्लाह हाफिज।